दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। कैसे दोस्तों आप सभी। दोस्तों किसी ने मुझसे पूछा था कि यार आप अपने फ़ोन में डबल व्हाट्सअप कैसे चलाते हो या ड्यूल ऐप्स कैसे यूज़ करते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपने मोबाइल में कौन सी ऐसी सेटिंग्स होती है जहाँ से हम डबल व्हाट्सअप या ड्यूल व्हाट्सअप या फिर कोई दूसरा ऐप डबल हम चला सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, मैं सेटिंग्स में जाके ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं ये चीज़ें। और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, आप देखिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा एक एक स्टेप। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों मैंने कर ली है ऑन। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है दोस्तों सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद दोस्तों नीचे जाते हैं हम थोड़ा सा, और ऑप्शन आता है ऐप्स का। ठीक है, ऐप्स के ऑप्शन में दोस्तों आप देखिएगा ये ड्यूल ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और ड्यूल ऐप्स के ऑप्शन के बाद ये आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। ये हमें बता रहा है कि कौन कौन से चीज़ें हमारी एलिजिबल हैं या कौन कौन सी चीज़ें जिनके ड्यूल ऐप्स हम बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर व्हाट्सअप है जिसका लिखा हुआ है क्रिएटेड, तो मतलब कि मैंने व्हाट्सअप की ड्यूल ऐप बना रखी है। ठीक है, इसलिए मेरे फ़ोन में दो दो व्हाट्सअप हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आपको। और नीचे भी जैसे OLX हो गया, Naukri.com हो गया, Paytm, इनके भी मैंने दो दो यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन में। दो दो अकाउंट्स हैं, दो दो इसके ऐप्स हैं, और दोनों Paytm अलग अलग चलते हैं, दोनों OLX अलग चलते हैं और दोनों Paytm अलग चलते हैं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे सिंपली, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक आइकन होम स्क्रीन पे और ऐड हो गया है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ ऑफ। तो दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अब ज़्यादातर फ़ोन्स में ये ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे पहले नहीं आता था, उसके लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ता था और तब जाके हम एक फ़ोन में दो दो व्हाट्सअप या कोई दूसरा ऐप हम एक्सेस कर पाते हैं थे। पर अब ज़्यादातर फ़ोन हैं, जैसे MIUI, Redmi के जितने भी फ़ोन हैं, Xiaomi के जितने भी फ़ोन हैं, उनमें ड्यूल ऐप्स का ऑप्शन आता है ऐप्स के अंदर सेटिंग्स में जाके। और उसके बाद जैसे Vivo और Oppo के जितने भी फ़ोन्स हैं उनके अंदर ऑप्शन आता है क्लोन ऐप का। ठीक है, ज़्यादातर यही फ़ोन से यार मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैं बता दूंगा। वैसे मैं चाइनीज़ फ़ोन के थोड़े अगेंस्ट हूँ, और अभी तो मैंने चाइनीज़ फ़ोन मतलब 3 साल पहले ही लिया था ये रेडमी का, तो अभी तो इसे बेच नहीं सकता हूँ, पैसे दे दिए हैं। बट नेक्स्ट मैं श्योर हूँ कि मैं अब चाइनीज़ फ़ोन नहीं खरीदूंगा और सैमसंग का या फिर कोई इंडियन ब्रांड ही खरीदूंगा, और जब तक इसे चला सकता हूँ चलाए हूँ, क्योंकि पैसे तो दे ही दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन के अंदर रेडमी या सॉरी ड्यूल ऐप या फिर डबल कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, और अलग अलग अकाउंट का। ठीक है, जैसे मेरे फ़ोन में अगर दो नंबर है तो दोनों के लिए मैंने अलग अलग व्हाट्सअप लगा रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको, देखिए मैं एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने दो दो, मेरे फ़ोन में कैसे दो दो व्हाट्सअप हैं या दो दो Paytm हैं या दो दो OLX हैं या दो दो Naukri.com हैं। ये देखिएगा, आप देख रहे हो एक OLX येरा और एक Paytm येरा, ऊपर ही एक Paytm का ऑप्शन और है, दो Paytm स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों एक OLX येरा और एक OLX येरा। ठीक है, इसके अलावा मैं व्हाट्सअप दिखा देता हूँ, एक व्हाट्सअप येरा जिस पर लॉक बना हुआ है नीले कलर पीले कलर का। ठीक है, ये और एक व्हाट्सअप येरा। ठीक है, तो मैं अपने फ़ोन में कई ऐसे ऐप्स हैं जिनको दो दो यूज़ करता हूँ। जैसे मेरे पास दो नंबर्स हैं तो मैं दो Paytm के दो व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, दो OLX यूज़ करता हूँ, इवन दो Naukri.com यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।